हेलो दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के 16 पार्ट अपन ने देख लिए थे, जिसमें अपन ने होम और इनसेट कंप्लीट कर लिया था। आज अपन बात करते हैं पेज लेआउट की। तो पेज लेआउट कैसे क्या कार्य करता है, कौन से क्या इंपॉर्टेंट है, सारी चीजें अपन इस पे बात करने वाले हैं। सिंपली मैं यहाँ पे पैराग्राफ लिख लेता हूँ। जैसे मैं इसमें पैराग्राफ लिखता हूँ, यहां से आप थीम्स वगैरह में चेंजिंग कर सकते हो, देखो शब्दों में इफेक्ट्स कर सकते हो, ठीक है। लेकिन ये आप जब होम के अंदर जाके, यहां से मैंने आपको हेडिंग देना बताया था, यहां से आप हेडिंग दे सकते हो। तो इसके बाद भी अगर आप पेज लेआउट में थीम्स में आते हो तो आपको और भी अच्छे तरीके से ये समझ में आ जाता है। इसके अलावा आप कलर चेंज कर सकते हो, ये देखो शब्दों का कलर आप चेंज कर सकते हो। इसके अलावा जब अपन आगे चलते हैं यहाँ फॉन्ट में, तो यहां से आप दोस्तों सिंपली फॉन्ट वगैरह में भी इफेक्ट कर सकते हो, चेंजेज कर सकते हो। बात आती है आगे इफेक्ट्स में, तो इसके द्वारा भी आप इफेक्ट्स कर सकते हो। बात आती है आगे मार्जिन में, मार्जिन क्या होता है। सिंपली दोस्तों मैं यहां पे नॉर्मल पैराग्राफ टाइप कर लेता हूं, मैं हेडिंग सिस्टम को वापस हटा देता हूं, होम के अंदर जाके नॉर्मल कर देता हूं। यहां से जैसे ही मैं दोस्तों सिंपली यहां ये टाइप कर लिया है, पेज लेआउट में जब मैं यहां मार्जिन में जाता हूं नैरो, तो ये इस प्रकार से मार्जिन को ये पेज में जैसे अभी और से डॉक्यूमेंट तक लिखा हुआ आ रहा है, मतलब ये ज्यादा हो गया। और यहां से अगर मैं इसको कम करता हूं तो ये कम हो जाता है, डॉक्यूमेंट नीचे वाले साइड में आने लग जाता है। वेट भी अपन इसको कर सकते हैं और छोटा कर सकते हैं। जिस भी प्रकार से इफेक्ट करना है सिंपली दोस्तों अपन उस प्रकार से इसमें इफेक्ट कर सकते हैं, मार्जिन को कम ज्यादा कर सकते हैं। सिंपली आपको नॉर्मल ही रखना है। इसके बाद में आता है पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। अगर आप पेज को लैंडस्केप कर देते हो दोस्तों, तो ये आड़ा पेज जिसको पढ़ कहते हैं, पोर्ट्रेट यानी खड़ा पेज, जैसे आपने कॉपी में देखा एकदम खड़ा पेज जिसमें आप लिखते हो। एक कभी कभार अपन इंडेक्स वगैरह बनाते हैं तो उस कॉपी को अपन टेढ़ा कर लेते हैं, आड़ा कर लेते हैं, तो उसको कहते हैं लैंडस्केप। तो पोर्ट्रेट और लैंडस्केप आप सिंपली यहां से कर सकते हो। इसके आगे आता है साइज। साइज में यहां से अपन साइज सेट करवा सकते हैं पेज की, A4 करना है या A3 करना है, लीगल करना है, तो जो भी साइज आपको करना है वो दोस्तों आप यहां से कर सकते हो। नॉर्मल जो साइज चलती है वो पेज की A4 साइज चलती है, नॉर्मल जो अपन फोटोकॉपी कराते हैं उस पेज की साइज A4 साइज रहती है। लीगल डॉक्यूमेंट्स में काम में आता है, ये कई प्रकार के अन्य पेजेज है जिनकी साइज कम ज्यादा कर सकते हो। आगे सिंपली बात आती है कॉलम की, तो यहां अपन कॉलम के अंदर जाएंगे, कॉलम के अंदर जाके अपन इसको 2 कॉलम में डिवाइड कर सकते हैं। शरीर 2 कॉलम में कहां हुआ, देखो इधर लिखता लिखता जब एंड यहां पे आ जाएगा, इसके बाद में दोस्तों ये वापस इधर से स्टार्ट करेगा, तभी दूसरा कॉलम हो जाएगा। जब आप इसको रूलर बार को देख रहे हो, इसको रूलर बार कहते हैं, तो ये देखो 2 भागों में बट गई। अच्छा सर अगर 3 करेंगे तो ये देखो 3 भागों में बट गई। सर अभी कैसे आया, क्योंकि 3 हो गया तो इधर मैटर ज्यादा हो गया, सुकड़ गया मैटर, तो ये आगे इधर आने लग गया। जैसे ही यहां मैटर आता है दोस्तों, ये दूसरा कॉलम फिर ये कंप्लीट होने के बाद में तीसरा कॉलम आ जाएगा। दोस्तों आप इसको लेफ्ट भी कर सकते हो, जिसमें लेफ्ट की साइड कम और राइट की साइड ज्यादा मैटर आता है। सर कैसे, ये देखो आप रूलर बार से समझ सकते हो कम ज्यादा। अच्छा मैंने यहां से 1 कॉलम कर दिया, मैं एक बार इसको कॉपी करके इसको पेस्ट कर देता हूं। जैसे मैंने ये अब काफी मैटर लिख लिया है दोस्तों, यहां जब भी अपन यहां कॉलम में जाके अगर 2 कॉलम करेंगे, अब सिंपली आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा ये कैसे लिखता है। पहले इधर वाले को कंप्लीट करता है, लास्ट एंड तक आ जाता है पेज में, और एंड में आने के बाद में वापिस यहां से स्टार्ट करता है। इसी प्रकार से अपन 3 कॉलम से भी कर सकते हैं, सिंपली इसमें भी लास्ट तक आता है, लास्ट तक आने के बाद में यहां से वापस स्टार्ट कर देता है आना, और यहां से जैसे जैसे लास्ट यहां रीसेट यहां तक आता है, और यहां से आने के बाद में वापस इधर से स्टार्ट हो जाता है। इसी प्रकार से लेफ्ट आप कर सकते हो, लेफ्ट की साइड कम और राइट की साइड ज्यादा, इसी प्रकार से राइट भी आप कर सकते हो। इसी क्रम में आगे चलते हैं अपन मोर कॉलम, यहां मैंने कर दिया कॉलम्स और ज्यादा हो जाए तो मैक्सिमम अपन 12 कॉलम कर सकते हैं। 12 कॉलम में ये आएगा, आप देख सकते हो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो इस प्रकार से आप और अधिक कॉलम्स में भी कर सकते हो। नॉर्मल 2-3 कॉलम तक ये चलाते हैं।
ये देखो इस प्रकार से आप बढ़ा सकते हो, यहां से आप इसमें कम कर सकते हो। मैंने कहा दो कॉलम जब आ रहे हैं तो इनके बीच में लाइन आ जाए, तो ये देखो यहाँ लाइन से डिवाइड ये कर सकते हैं अपन इस प्रकार से। इसी क्रम में आगे चलते हैं दोस्तों, यहां पे आप इस लाइन को हटा भी सकते हो। यहां जब आप आते हो तो इसको ये देखो इस प्रकार से, ये जो बीच में स्पेसिंग था उसको भी आप कम ज्यादा कर सकते हो, तो वो आप अपने हिसाब से कर सकते हो। ये देखो इस प्रकार से आप और भी कॉलम ले सकते हो। दोस्तों जब आप देख रहे हो अभी यहाँ पे फर्स्ट कॉलम पेज में दो कॉलम आ रहे हैं, सेकंड में भी दो ही आने में है लेकिन थोड़ा मैटर कम है, ठीक है। तो ये इधर का कंप्लीट होते ही इधर से जब आएगा तो ये देखो आप देख सकते हो, तो ये क्या होता है एक साइड का कॉलम बढ़ने के बाद में ही नया कॉलम स्टार्ट करता है दोस्तों। यहां से जब अपन मोर कॉलम में जाते हैं और यहां से अगर इसको अपन दिस पॉइंट फॉरवर्ड अगर कर देते हैं तो ये जो कर्सर था, ठीक है, ये तो यहाँ तो कितने कॉलम में, दो कॉलम में। एक बार मैं सिंपली दोस्तों इसको यहाँ रख देता हूँ कर्सर को, और अब देखना एक बार आप यहाँ पे कर्सर रख दिया, यहाँ आके मैंने किया मोर कॉलम और यहां से दिस पॉइंट फॉरवर्ड कर दिया, तो इसके ऊपर वाला अलग रह जाएगा मैटर और नीचे वाला अलग। कैसे, ये यही का यही कॉलम को खत्म कर दिया, इधर लास्ट तक नहीं आया, इधर ही आ गया। जब आप लिखोगे यहाँ टाइप करोगे दोस्तों, ये देखो यही का यही अब नीचे चल रहा है, ठीक है, अब नीचे आने लगे, ये इधर का यही का यही एंड ये कर देता है। मैं वापिस इस चीज को अंडू कर देता हूँ। अच्छा, इसी क्रम में आगे दे रखा है मोर कॉलम में वॉल, ठीक है, तो अगर वॉल कर देंगे तो वही पहले वाली कंडीशन आ गई जो मैंने अंडू करके आप लोगों को बता ही दिया है। और दिस पॉइंट द फॉरवर्ड अपन कर सकते हैं, यहाँ पे देखो एक सैंपल दिखा रखा है, और दिस सेशन ये देखो ये सेशन यहाँ ऐसे ऐसे बाकी नॉर्मल चलता रहता है। तो सिंपली आपको कॉलम समझ में आ गया होगा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।